कि ये पिछले उससे पिछले 6 साल तक बेड बाउंड थी, बिल्कुल स्ट्रेट बेड पे लेटती थी। इनको एक अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो मैं व्हील चेयर पे थी, ना मैं चल सकती थी ना मैं लेट सकती थी, सिर्फ रोती रोती थी। फिर जब हमने इसको एवेल्यूएट किया, स्पाइन तो स्टिफ था, हमने ये कहा जितनी हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने प्लान किया कि इसके दोनों हिप्स को हमने चेंज करना है। मेरी बेटी है और उसका दिल करता है कि उसकी मम्मा उसके साथ स्कूल जाए, मदर डे पे उसका दिल करता है कि उसकी मम्मा उसके साथ हर जगह पे उसके साथ हो। मेरा भी दिल करता है लेकिन मैं कभी भी उसके साथ नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये समीना हमारी बच्ची इस काबिल हो गई है कि अब ये वॉकर के साथ चलना शुरू हो गई है, कंफर्टेबली माशाल्लाह बैठ जाती है, खाना भी खा लेती है और अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे जिस तरह वॉशरूम जाना इस तरह ये वाले काम भी इंडिपेंडेंटली कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, चल फिर लेती हूँ और बैठती भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नईम और मैं इधर ऑर्थोपेडिक सर्जन गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में। हमारे साथ एक यंग फीमेल है, इनका नाम समीना। ये हमारे पास आई है मंडी बहाउद्दीन से और ये आज से 1 साल पहले इनकी कंडीशन ये थी कि ये पिछले उससे पिछले 6 साल तक बेड बाउंड थी, बिल्कुल स्ट्रेट बेड पर लेटती थी। इनको एक अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और इस बीमारी में ये स्पाइन से शुरू होती है जिसमें स्पाइन बिल्कुल स्टिफ होके एक पीस बन जाता है और अगर ये बीमारी प्रोग्रेस करे, प्रॉपर ट्रीट ना हो, तो ये बीमारी फैल के हिप्स जॉइंट्स के अंदर भी आ जाती है। तो समीना की जब बीमारी हमारे पास आई तो उसकी बीमारी हिप्स के अंदर इन्वॉल्व थी, आ चुकी थी और इसके हिप बिल्कुल बॉडी का हिस्सा बन के एक पीस बन गया था। यानी कि इसके जिस तरह हम ये मूव कर रहे हैं तो इसके हिप की कोई मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट एक पीस में बॉडी मूव करती थी। इसकी वजह से ना ये बैठ सकती थी, खड़ा होने तो दूर की बात थी। तो ये पिछले 6 साल से बेड पे लेटी हुई थी और उसी तरह बस करवट ले सकती थी और खाना भी लेट के खाती थी। फिर जब हमने इसको एवेल्यूएट किया, स्पाइन तो स्टिफ था, हमने ये कहा जितनी हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने प्लान किया कि इसके दोनों हिप्स को हमने चेंज करना है। तो एक हिप हमने राइट साइड का हिप 1 साल पहले चेंज किया और उसके बाद 8 माह पहले इसका लेफ़्ट हिप भी चेंज किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये समीना हमारी बच्ची इस काबिल हो गई है कि अब ये वॉकर के साथ चलना शुरू हो गई है, कंफर्टेबली माशाल्लाह बैठ जाती है, खाना भी खा लेती है और अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे जिस तरह वॉशरूम जाना इस तरह ये वाले काम भी इंडिपेंडेंटली कर लेती है। तो पेन भी ख़त्म हो गया और हिप की सारी इसकी जो मूवमेंट, पहले बिल्कुल हिप इसका स्टिफ था, अब ये हिप पूरी ऐसे मूव कर लेती है। तो इस सर्जरी का अब समीना आपको बताएंगी इनको क्या फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना इकबाल है और मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से बेड पे हूँ मुकम्मल, मुझे टोटल 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं इस दर्द में। मैं झूले से गिरी थी तो उसके बाद कोई बोलता था पाँव उतर गया है प्लास्टर लगाएं, कोई बोलता घुटना उतर गया है कमर पे प्लास्टर लगाएं। मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है और उसके बाद फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, दर्द इतनी हो गई कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। फिर 8 माह मैं बैठी रही यहाँ। जब हॉस्पिटल में 2019 में आई थी तो मैं व्हील चेयर पर थी, यहाँ पे सब मुझे व्हील चेयर नाम की लड़की से जानते थे। तो डॉक्टर नईम अहमद हैं उनके पास आई तो उन्होंने मेरा केस लिया, मेरा दर्द कम किया, मेरा ऑपरेट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, चल फिर लेती हूँ और बैठती भी हूँ। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ठीक किया, इस लाइक बनाया कि मैं कुछ कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमान फातिमा है, मैं गुरकी हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर को थैंक यू बोलने आई हूँ। पहले सारे कहते थे कि मेरी मम्मा ठीक नहीं हो सकेंगी, सब हॉस्पिटल में गए पर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक हो सकेंगी। फिर वो यहाँ पर आए, फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर अब वो चल सकती हैं।